नमस्कार, कोसी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सुशांत मामले की जांच जब से सीबीआई करना शुरू कर दी है, तब से मुंबई में हड़कंप मच गया है। मुंबई पुलिस से लेकर के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर तक घेरे में आ रहे हैं। सीबीआई जांच का आज छठा दिन है। अब तक जो बातें सामने आई है उसमें संदीप सिंह सबसे ज्यादा घेरे में आ रहे हैं। संदीप सिंह के कॉल डिटेल्स निकलने के बाद मामला खुलने लगा है। अब सवाल ये उठता है कि मुंबई पुलिस 2 महीने में क्या पूछताछ की थी, किस चीज की जांच की थी, या फिर सबूत मिटा रही थी। आखिर मुंबई पुलिस हथियारों को क्यों बचाना चाहती है? सभी लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर सुशांत की हत्या क्यों कर दी गई है। सीबीआई ने सुशांत के रसोई, नौकर और मैनेजर से पूछताछ किया। तीनों का बयान विरोधाभासी था, जिसको लेकर एक और सनसनी सामने आया है। सीबीआई अब रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर सकती है। रिया चक्रवर्ती ऐसे पहले से ही घेरे में घिरी हुई है। इस रहस्यमयी मौत का पता लगाने के लिए सीबीआई कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सीबीआई अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराएगी, जिससे पता चलेगा कि सुशांत के माइंड में आखिर तक क्या चल रहा था। इस जांच से साफ पता चल जाएगा कि यह सुसाइड है या हत्या। सीबीआई ने पोस्टमार्टम करने वाले पुलिस से पूछा कि आखिर इतनी जल्दी क्यों थी, कोरोना रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। ये सारे सवाल में घिरते जा रही है मुंबई का पूरा सिस्टम। कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद संदीप सिंह एम्बुलेंस ड्राइवर से 4 बार बात किए थे, जिसको लेकर गिरोह में फंसते जा रहे हैं संदीप सिंह। आखिर 10 महीने से दूरी बनाने के बाद संदीप सिंह सुशांत के मौत के बाद आखिर कैसे करीब आए, और करीब आए भी तो एम्बुलेंस ड्राइवर से क्यों बात की। चलिए माना कि उस दिन बात किए तो कोई काम की वजह से बात किए होंगे, लेकिन उनके पार्थिव शरीर की अंतिम संस्कार के बाद भी वह